किशोर 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 क्या कर रहा है तू? नीचे उतर किशोर। अरे मेरी बात तो सुन किशोर। किशोर क्या कर रहा था? पागल हो गया तू? तो और क्या करूं पिताजी, बीजेपी सरकार ने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। भ्रष्टाचार के इस दोहरे शतक से तंग आ गया। अरे 200 से ज्यादा घोटाले इस सरकार के, ज्यादा दूर क्यों जाते? अपने ही घर को देख लीजिए। आपने कर्जा लेकर भैया को कोचिंग लगाई थी ना, भैया की सारी मेहनत भ्रष्टाचार के इस व्यापक घोटाले की भेंट चढ़ गई और भैया घर छोड़ के भाग गए, आज तक नहीं लौटाए पिताजी। फिर भी आप इस भ्रष्टाचारी सरकार को ही वोट देंगे। दीदी ने पटवारी की परीक्षा की कितनी तैयारी की थी, लेकिन उसे भी क्या मिला? नफरत की राजनीति के बल पर सरकार बनाने वाली इस बीजेपी ने बेईमानी से सरकार तो बना ली, लेकिन अब सारी हदें पार कर दी। आपने घर गिरवी रखकर मुझे सिविल इंजीनियर बनाया। मैं आपका सपना पूरा करना चाहता था पिताजी, इसलिए मैंने ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। अब ये सरकार मुझसे काम के बदले 50% कमीशन मांगती है। अरे कहां से दूं मैं कमीशन पिताजी? इसलिए मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये देखिए ये सरकार के कारनामे। ये पुल बनाया और 2 महीने में टूट गया पिताजी। ये काम मैं करना चाहता था, लेकिन मुझसे कमीशन मांग रहे थे तो नहीं मिला ये काम। बस बेटा, मुझे अब समझ में आया क्यों कोई नया पुल बनने के 2 महीने बाद ही गिर जाता है। नई सड़क बहुत जल्द खराब हो जाती है। अरे तुझे क्या बताऊं, इन बीजेपी वालों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। महाकाल लोक की टूटी हुई मूर्तियां इस बात की गवाह है। देखना, जैसे कर्नाटक की जनता ने इस 40% कमीशन लेने वाली बीजेपी की सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाई ना, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हवा चल रही है। और मैं शपथ लेता हूं, इस बार अपना वोट दूंगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैंने तो हवा का रुख समझ लिया, इसलिए मैं चुनूंगा अब की बार नो कमीशन सरकार।